नमस्कार फ्रेंड, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। यह मैंने 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डाला है, 1 बारीक कटी प्याज ली है और 2 हरी मिर्च ली है। इनको इसमें डालकर हम थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ा क्रंची से हमें इसको रखना है। जब यह क्रंची हो जाए तब इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच टमाटो केचप और 2 चम्मच चिल्ली सॉस डालकर मीडियम फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे। जब ये हमारे अच्छे से सॉस मिक्स हो जाए तब हम इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डालकर इसको भी हम क्रंच सा भून लेंगे। जब ये हमारी भून जाए तब 1 कटोरी में हम कॉर्नफ्लोर लेके उसका एक घोल बना लेंगे। यहाँ मैंने नमक डाल दिया। अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी है इसको भी डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने ये आलू के बने हुए फिंगर फ्राइज लिए हैं जिनको मैंने पहले से ही बना लिया था। इसको डालकर हम इस मिक्स कर लेंगे, ऊपर से धनिया डाल देंगे। ये मेरे चिली पटेटो बनकर तैयार हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।